डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन के दौरान अफरा तफरी मच गई। इसमें एक महिला की जान भी चली गई। 1 लाख की क्षमता वाली जगह पर 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात जब भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालुओं को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। इसके बाद जब उन्हें दर्शन करने के लिए छोड़ा गया तो अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक ऊपर वाले मंदिर में चढ़ने के दौरान महिला श्रद्धालु के भीड़ में बीच में फंस गई, अचानक गश खाकर गिर पड़ी। इसके बाद डोंगरगढ़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बता दें कि आज से वहां पर दर्शन करने के लिए और कड़ी व्यवस्था की गई है। सिर्फ 50 लोगों को ऊपर मंदिर में एक बार में जाने दिया जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि प्रशासन ने अनुरोध किया है कि वृद्ध महिला और बच्चों को पहले ऊपर जाने का रास्ता दें। अभी जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि इस बार नवरात्रि पर्व पे शनिवार है, रविवार है और कंटिन्यूस छुट्टियां हैं, तो उसको लेकर के काफी लोग जो है, काफी श्रद्धालु जो है डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और कल शाम से जो है बहुत ऐतिहासिक भीड़ वहाँ पे उमड़ रही है और ऐसी स्थिति में वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण जो हमारे बुजुर्ग है, दिव्यांगजन है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है, तो मेरा आप सब लोगों के माध्यम से अपील है कि अगर हमारे आसपास अगर वो पहले हैं तो उनको पहले भेजे। और इसी क्रम में आज सुबह सुबह वहां पे एक घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, जिसमें धमतरी जिले की एक महिला है, साहू महिला, उनकी वहां पे डेथ हुई है। उनकी भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पे, हम और एसपी साहब दोनों जाकर के देखे हमने, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे आपस में सफोकेशन की स्थिति हो गई है। तो हमने वहाँ पे व्यवस्थाएं को सुनिश्चित किया है, थोड़े थोड़े लोगों को 50-60 लोगों को एक बार में वहाँ एक पर्टिकुलर जगह से छोड़ने के हम लोगों ने व्यवस्था आज बनाई।